हेलो दोस्तों, मेरे पास है लाइफ का 4505 C469। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, ये देखिए आप। तो इसका FRP अनलॉक हम UMT टूल से कैसे करेंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं सीधे आपको सिस्टम पे ले चलता हूँ। ये देखिए हम सिस्टम पे आ चुके हैं। मेरा QC फायर 8.1 ओपन है और बाजू में डिवाइस मैनेजर भी खुला हुआ है। तो डिवाइस मैनेजर में हम ये देख लेंगे कि पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। और ये रहा अपना टूल UMT QC फायर 8.1। 8.3 अपडेट आ चुका है। मोबाइल की बैटरी हमें निकाल देनी है, फिर से लगानी है। और वॉल्यूम अप और डाउन, वॉल्यूम तेज वाला और वॉल्यूम स्लो वाला, ये वॉल्यूम अप और डाउन की को दबा के रखेंगे और केबल को लगा देंगे जो कंप्यूटर से हमारी कनेक्ट है। और इसको जैसे ही हम लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे पोर्ट शो होने लगेगा, सिस्टम में आवाज़ आ चुकी है। तो ये मेरे सिस्टम में है जो बहुत सारा डेटा डला हुआ है, इसलिए स्लो वर्क कर रहा है, बहुत धीमा चल रहा है। ये देखिए ये आ गया क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008। और हमें यहाँ पे रीसेट FRP पे क्लिक करना है रीड एंड टूल में। ये जो सिलेक्ट है रीड एंड टूल, इसमें हमसे सिलेक्ट करना है रीसेट FRP, फ्लेशर के जस्ट बाजू से रीड एंड टूल और रीसेट FRP। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही FRP लॉक रिमूव होता है तो हमारा जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। देखिए प्रोसेस चल रही है अभी। ये आ गया LS4505 और FRP रीसेट लॉक डन बस। और ये हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और जैसे ही चालू होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका FRP लॉक था वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। ये LYF का फ्लेम 8 मॉडल है, जिसे हम 4505 C469 बोलते हैं। इसका रियल नेम मॉडल है लाइफ फ्लेम 8। तो मैं इसी तरीके की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कमेंट करते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और उस पर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। तो बस यही था आज के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।